जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, लाडलो लाडियो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए, जो कल की मेरी लाइव क्लास थी रात 8 बजे वाली, मैंने बोला था आपकी जितनी भी इंक्वायरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसमें वीडियो बना दूंगा। तो उस क्लास में जितने भी कमेंट्स आए थे उसमें सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी कि सर एसएससी जीडी 2022, आप सभी को बता दिए दिसंबर में आ गई है 2022 में, तो इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है और कौन कौन नहीं भर सकता, इसका जो एज क्राइटेरिया वो कब से काउंट होगा और कौन कौन क्राइटेरिया वाला इसके फॉर्म भर सकते हैं, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा कि इसमें फिजिकल क्या होता है, इसमें हाइट क्या होती है, बहुत सारे नए बच्चे जुड़े थे क्लास में तो उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। ये दोनों चीजें मैं बताने वाला हूं कि इस वैकेंसी में कौन कौन फॉर्म भरने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये लगभग 60,000 से लेकर 80,000 के बीच की पोस्टों वाली वैकेंसी रहने वाली है, क्योंकि पिछली बार इसमें सीआरपीएफ की पोस्टें खाली रखी थी, तो काफी बड़ा आंकड़ा रहेगा वैकेंसी का, इसीलिए सबकी दिली ख्वाहिश है कि वो इसमें फॉर्म भर पाए। पहले मैं आपको बता दूं लाड लो कि एसएससी जीडी में जो हाइट क्राइटेरिया होता है मेल के लिए, ठीक है, यानी लड़कों के लिए जो हाइट क्राइटेरिया होता है वो होता है 170 सेमी अगर वो जनरल से हैं, ओबीसी से हैं और एससी से हैं, ठीक है, इन तीन कैटेगरी के लिए 170 सेमी चाहिए। अगर वो बच्चा एसटी कैटेगरी से है तो उसकी हाइट 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए एसटी कैटेगरी से, ठीक है। वही अगर लड़कियों में बात करें फीमेल में, तो लड़कियों में जो हाई क्राइटेरिया है वो 157 सेमी है जनरल, ओबीसी और एससी के लिए। अगर लड़की एससी की है तो उसकी 152 सेमी हाइट होगी तो भी वो फॉर्म भर सकते हैं। ये हाइट का क्राइटेरिया हो गया। सबसे पहले इसमें होता है एसएससी जीडी में पेपर, पेपर में इसमें चार पार्ट आते हैं, कौन कौन से, मैथ, रीजनिंग, एक जीके विथ जीएस और हिंदी और इंग्लिश ऑप्शन में रहती है। आप हिंदी भी ले सकते हैं और इंग्लिश भी ले सकते हैं, ठीक है, ये रहती है। अब इसके कितने कितने क्वेश्चन रहते हैं, 25-25 क्वेश्चन रहते हैं इनके, हर एक पार्ट में 25 क्वेश्चन रहते हैं, आपको हर पार्ट में पास होना जरूरी नहीं है, इस प्रकार का इसमें कोई नियम नहीं है, यानी हर एक पार्ट में 25-25 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल इसमें आपको 1.5 घंटे का समय यानी 90 मिनट का समय मिलता है, 100 नंबर का ये पेपर होता है, ठीक है। ये चारों पार्ट आपको इसमें करना अनिवार्य है, अगर हाँ हिंदी इंग्लिश में कोई भी चूज कर सकते हो और चारों में पास हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, फाइनल मेट में आपके नंबर होने चाहिए, तो आप कोई से भी पार्ट में पास क्यों ना हो, ये इसका पेपर रहता है। सबसे पहले पेपर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट जो होता है वो पेपर ही होता है। अब अगली जो आपकी सबसे बड़ी समस्या थी कि सर कौन कौन फॉर्म भर सकता है, एज कब से काउंट होगी, तो पहले तो मैं आपको बता दूं ये वैकेंसी आ रही है 10 दिसंबर 2022 को इसके फॉर्म शुरू होंगे। एसएससी जीडी का नियम है कि जिस डेट को फॉर्म शुरू होता है उसी डेट से इसकी डेट काउंट होती है। तो कौन कौन फॉर्म भर पाया, तो मैं आपको बता दूं, जिस बच्चे का जन्म 10/12/2004 से पहले का है वो फॉर्म भर सकता है, 10/12/2004 से पहले का है यानी 18 साल का हो जाएगा। कब तक, तो जनरल कैटेगरी ओबीसी के लिए नहीं, पहले केवल जनरल जनरल के लिए, तो जनरल के लिए 10/12/2004 से लेकर 10/12/1999, यानी जिसका जन्म 1999 से बाद और 2004 से पहले है, डेट आप देख लेना 10/12/1999 के बाद और 10/12/2004 से पहले है, वो सभी फॉर्म भर सकते हैं जो जनरल कैटेगरी के। अब बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में जिस बच्चे की एज 10/12/2004 से पहले होना चाहिए और कितना साल का छूट मिलता है, 3 साल का छूट मिलता है, यानी 1996 से बाद में, यानी 10/12/1996 के बाद का उसका जन्म होना चाहिए, 10/12 यानी 10 दिसंबर 1996 के बाद का उसका जन्म होना चाहिए और 2004 के पहले का होना चाहिए, यानी इस एज के, इस क्राइटेरिया के बीच में जितने भी आ रहे हैं वो सभी फॉर्म भर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं एस सी एस टी की, तो देखो जो भी एस सी एस टी है कैटेगरी, इनमें छूट कितनी मिलती है, इसमें छूट मिलती है 5 साल की, तो यानी इनका क्या हो जाएगा, 10/12/2004 से लेकर 10/12/1994, यानी जिस बच्चे का जन्म 1994 में 10 दिसंबर के बाद हुआ है
और उसका 10/12/2004 से पहले होना चाहिए। इस एज क्राइटेरिया के बीच में जो भी आते हैं वो एसटी कैटेगरी के बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको तैयारी करनी है तो एक तो मैं हर रोज रात 8 बजे रीजनिंग की क्लास लेके आता हूँ, बाकी सारे सब्जेक्ट की क्लासे आपको यहाँ लाइव मिल जाएगी, लेकिन रात 8 बजे मेरी क्लास रहती है। अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आप कमांडो अकेडमी के एप्लीकेशन से तैयारी कर सकते हैं, वहां पर नाम मात्र के शुल्क पे आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। अगर आप अकेडमी आके तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी अकेडमी है कुचामन सिटी राजस्थान में, ठीक है लाडनो, आपको नंबर मिल जाएंगे हर एक वीडियो में, शॉर्ट वीडियो पे मिल जाएंगे, कुचामन सिटी राजस्थान में आप अकेडमी आ सकते हैं। यहाँ पर गारंटी भी चलता है, सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं। तो जो भी बच्चा एसएससी जीडी के लिए अगर आना चाहता है तो जुलाई के महीने में आएगा, क्योंकि जुलाई के बाद में फिर एडमिशन नहीं होंगे, ठीक है लाडू। ये आपको देख लेना है, इस एज के क्राइटेरिया में जो भी बच्चे आते हैं उनको अभी से तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि इसका पेपर मार्च के माह में होगा, तो ज्यादा समय नहीं रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये ट्यूर ऑफ ड्यूटी की तरह नहीं है, 4 साल की स्थायी नौकरी है, ठीक है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसका पेपर करवाती है। जय हिंद, जय भारत लाडू।